सबको नवबुद्धा जय भीम। मैं डॉक्टर राहुल राज, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज जो ये भव्य और विशाल आयोजन आप देख रहे हैं, जहाँ पर लगभग 50 के ऊपर जिलों की टीमें आई हुई हैं और विगत 3 दिनों से लगातार आ रही हैं, और आप सामने जो लगभग हजारों की संख्या में जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये बाबा साहब का अंतिम संदेश की स्मृति में जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसके लिए आए हैं। ज्ञातव्य हो कि बाबा साहब की जो अंतिम यात्रा थी, जब वो काठमांडू से लौट रहे थे तो वो वाराणसी रुके थे 3-4 दिन के लिए। उन्होंने यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और अन्य जगह भाषण दिए और अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद जब बाबा साहब दिल्ली गए तो वे बहुत अस्वस्थ हो चुके थे और उनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हो गया। उसी की स्मृति में हम लोग ये आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं, और बाबा साहब ने जो अपने अंतिम संदेश दिया था उसकी प्रासंगिकता को बार बार रेखांकित करते हुए यह हम लोग बार बार उस चीज़ को रिफ्रेश करते हैं अपने माइंड में, अपनी मेमोरी में, कि बाबा साहब ने कहा क्या था। बाबा साहब ने कहा था कि हम संविधान और धर्म ग्रंथों में से एक को जीवित रख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, सैद्धांतिक रूप से दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जहाँ पे धर्म ग्रंथ जो है ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन कृता उरु तदस्य वैश्यद शूद्रोपायो जायत, ऐसे ऐसे फंडामेंटल्स इथिक्स को लेकर के बना है, जहाँ पर जो है एक ऊंच नीच की ऐसी दुर्गम सीढ़ी है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जन्म और मरण तक तोड़ा नहीं जा सकता, वहीं पर इसके विपरीत भारतीय संविधान डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ऐसे संवैधानिक और गणतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों दुख को एक साथ जीवित नहीं रखा जा सकता क्योंकि दोनों के विरोधाभासी सिद्धांत हैं। तो बाबा साहब ने ये संदेश बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जहां मैं अध्यापक हूं, वहां के विद्यार्थियों को दिया था, और हम प्रतिवर्ष अपने विश्वविद्यालय में भी, BHU में भी स्टूडेंट्स की मीटिंग करके उनको बताते हैं कि बाबा साहब ने क्या कहा था। और बाबा साहब लकीली आर्ट्स फैकल्टी के ही मैदान में आए थे और मैं आर्ट्स फैकल्टी का ही टीचर हूँ, तो मुझे लगता है कि ये पे बैक टू सोसाइटी ही नहीं बल्कि बाबा साहब के जो सही विजन विचार थे, विजन थे, उसको बताने की ज़रूरत है। हम लोग विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम करके अभी यहाँ आए हैं। ये शास्त्री घाट में आप सामने देख रहे हैं 50,000 की भीड़ है, तमाम बालिकाएँ, बालक और लोग अभी भी आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से आ रहे हैं लगातार, और भीड़ बढ़ती जा रही है। ये दिखा रहा है कि बाबा साहब का कारवां लगातार शक्तिशाली हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा साहब का कारवां एक की जो वैचारिक धरातल है वह अत्यंत पुष्ट है, वह अत्यंत तार्किक है, और भविष्य केवल भारत का नहीं, किसी भी देश का भविष्य हरदम तर्क आधारित, विज्ञान आधारित विचारों पर ही चलता है। इसीलिए बाबा साहब जहाँ स्नेह स्नेह है आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर हो रहे हैं, उनका अस्तित्व, उनका उनकी धमक, उनकी पकड़, उनकी पहुंच समाज में ताकतवर हो रही है, गहरी पैठ बना रही है, वहीं पे जो धर्म ग्रंथों की जो थोथी बातें हैं वह धीरे धीरे उखड़ रही हैं और उनका जड़ उखड़ रही है। वह दिन दूर नहीं कि बाबा साहब के आंदोलन की वजह से भारतवर्ष निश्चित रूप से डेवलपिंग कंट्रीज की जगह डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाएगा, और जो आज भारत का जो पिछड़ापन है जिसका मुख्य आधार अंधविश्वास, ढकोसला, परंपरा के नाम पे धर्म का अंधानुकरण है, वो धीरे धीरे ख़त्म होगा और धीरे धीरे भारत विकास की राह पर आएगा। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि बाबा साहब का ये जो मूवमेंट है ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि बाबा साहब, जैसे कि कहा गया था कि डेड अम्बेडकर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन लिविंग अम्बेडकर, और ये बात सच हम लोग करके दिखाएंगे। जय भीम नवबुद्ध। मैं संतोष कुमार, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा हूँ बनारस जनपद में, आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय। यह बहुत बड़ा आयोजन जो संविधान दिवस के रूप में के स्मृति में बनाया गया है, इस अवसर पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई।
इस तरह के आयोजन हमारे समाज में जो जागरूकता ले आते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हैं, लगभग 500 जनपदों के लोग यहाँ पे आए हैं और ये हमारे लिए सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि इस तरह से जो भाव जो संस्कृति अपने लोगों में दिख रही है, जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, जो महिलाएं जो गांव में रहने वाली महिलाएं जो आ रही हैं उनको देख के हृदय आह्लादित हो रहा है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने का हमारा समय आ गया है और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस कारवां को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। इसी के साथ मैं सबको जय भीम नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप भी अपना परिचय देते हैं। जी हेलो। सर्वप्रथम मैं यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित सभी साथियों मिशनरी साथियों गणबंधुओं और आवाजका के राष्ट्रीय प्रांतीय जनपदीय एवं ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारियों को कोट कोट साधुवाद देते हुए नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। मैं ओपी चंद्रा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आवाजका एवं जिला अध्यक्ष मऊ। आज बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सब कुछ उन्हीं की दी हुई देन है, उनके दिए हुए मौलिक अधिकारों दायित्वों का प्रतिफल है कि आज हमारा पूरा समाज आंदोलित हो करके अपने हक और वजूद और संघर्ष के लिए आज इस लाखों लाख के जनसैलाब में हर जनपदीय स्तर के कार्यक्रम में और यहाँ तीसरी बार हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हर प्रतिवर्ष में यह आयोजन बाबा साहब के अंतिम दम देशना शिक्षा के उपदेश को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम किया जाता है। हम सभी संकल्पित हैं कि आने वाले समय में हम अपने हक और वजूद के लिए संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें अपने प्राणों की बाजी भी देनी पड़े तो हम आहुति देने को तैयार हैं, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम रात दिन संघर्ष करते रहेंगे। और बाबा साहब की ही देन है कि आज इस मंच पर इस समता टीवी आवाज़ के माध्यम से पूरे भारत के 18 देशों में यह प्रसारण किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के कोने से हमारे प्रतिनिधि और 12 स्टेटों के प्रतिनिधि आए हुए हैं और सभी धम बंधुओं एवं उपासक उपासिकाओं मिशनरी साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। इनके कर्मों का यह फल है, बाबा साहब का दिए हुए अधिकार का यह फल है कि आज बाबा साहब को विश्व लेवल पर भी जोरदार तरीके से उनका पूजन और सम्मान मान सम्मान किया जा रहा है। हम सभी बाबा साहब के ऋणी हैं, अगर हम कुछ भी कर गुजरते हैं तब जाकर के हमारा कल्याण हो सकता है।